So good morning students. Yesterday we have discussed the Boyd-Savart's law and the explanation of the Boyd-Savart's law with different angle theta 0 degree, theta 90 degree and theta 180 degree. So what was Boyd-Savart's law? The small magnetic field dB that equal to mu naught upon 4 pi idl sin theta by r square. So this was Boyd-Savart's law. So now today we will do the applications based on the Boyd-Savart's law. जिस तरीके से हमने गॉस थ्योरम पर एप्लीकेशन की थी उसी तरीके से हम इस यूनिट में भी आपके बहुत सी ऐसी लॉ हैं जिन पर हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में डेरिवेशन की फॉर्म में. सो नाउ वी आर हैविंग द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ Boyd-Savart's law. तो फर्स्टली वी विल डू द फर्स्ट एप्लीकेशन. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर. अब देखिए इसमें क्या है, हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट मेटल की वायर ले रखी है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है. अब उसके बाहर कोई पी पॉइंट है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. तो देखिए किस तरीके की डायग्रामेटिक यूज की हम लोगों ने. ये आपका सपोज कीजिए स्टेट कंडक्टर है और यहां पर पी पॉइंट है, मतलब इस डिस्टेंस पर देखिए ये स्टेट कंडक्टर है और इस डिस्टेंस पर आपका क्या है पी पॉइंट है. तो डेफिनेटली इस पी पॉइंट पर एक आपकी सर्कुलर जो है आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पी पॉइंट पर से सर्कुलर. अब उस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस स्टेट कंडक्टर के कारण, क्योंकि स्टेट कंडक्टर क्या बनाएगा एक पी पॉइंट पर जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वहां एक फील्ड बनाएगा. कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें उसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. तो देखिए उसमें मैंने आपका डायग्राम बनाया है. ये आपकी एक स्टेट कंडक्टर है एक्स वाई. एक्स वाई आपका क्या है एक स्टेट कंडक्टर. ये मैं दो पॉइंट ले लिए इसके स्टेट कंडक्टर के, कोई भी एक्स वाई था जिसमें से आई करंट फ्लो रहा, मतलब इसमें से करंट कितना फ्लो रहा आपका आई. तो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए ये एक्स पॉइंट है, इससे आप इस पी पॉइंट पर एक आप बीटा एंगल, मतलब पहले आप क्या कीजिए ये जो पी पॉइंट है इस आपके कंडक्टर के एक पॉइंट ओ है उससे ए डिस्टेंस पर है. ये सारे के सारे आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है कि आपका जो पी पॉइंट है इस कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट है ओ उससे ए डिस्टेंस पर है और आपका जो एक्स है जो आपका अपर पॉइंट है इसका, ये अपर पॉइंट है कंडक्टर का, ये लोअर पॉइंट है कंडक्टर का. जो अपर पॉइंट है दैट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद दिस डिस्टेंस, मतलब इस ए डिस्टेंस से ये एंगल कौन सा बना रहा है बीटा. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से देखिए यहां से एक एलिवेशन एंगल बन रहा है कौन सा बीटा. सो दिस एंगल इज बीटा. ये जो एंगल है आपका जो आपका इस डिस्टेंस और इस पर बना है दिस इज योर बीटा. अब देखिए डाउन पॉइंट को देखिए, डाउनवर्ड जो पॉइंट है उसको देखिए, ये वाई पॉइंट है, इससे ये एंगल आपका क्या बनेगा अल्फा बनेगा. ठीक है, जैसे आपका बीटा एंगल था एलिवेशन एंगल था इसी तरीके से आपका नीचे की तरफ एंगल कौन सा बनेगा अल्फा बनेगा. आप कुछ दूसरे तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हैं. देखिए यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर कीजिए जो इसके पैरेलल होगी, अगर ये एंगल बीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा बीटा. इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इसके पैरेलल होगी, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा. तो देखिए अल्फा बीटा के बारे में आपने पता कर लिया कि ये कौन कौन से एंगल होंगे. अब दूसरी बात कितनी है, देखिए हमें क्या करना है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया आईडियल, मतलब डीएल था और करंट एलिमेंट क्या था आईडियल. अब उसके आइडियल का लोअर और अपर पॉइंट है, इस लोअर पॉइंट को हम इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और अपर पॉइंट को भी हम पी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. जो आपका सपोज कीजिए ये एंगल आपका फाई है, मतलब ये डिस्टेंस कितना आपका आर डिस्टेंस है. जो आपका इस डीएल से पी के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना है आर डिस्टेंस है. तो अगर ये फाई एंगल है तो ये एंगल कितना होगा पूरा, ये एंगल होगा 180 माइनस फाई. तो हमें पता है साइन फाई और साइन 180 माइनस फाई, मतलब साइन फाई आपका साइन 180 माइनस फाई के बराबर होता है. तो इसका मतलब हमें यहां पे साइन एंगल लेना है क्योंकि Boyd-Savart's law में एंगल कौन सा था साइन. तो अगर मैं 180 अगर, और दूसरी बात क्या, एंगल बहुत स्मॉल है जिसकी कंडीशन है,
अगर मैं 180 माइनस फाइव को फाइव भी लिख दूं तो आपका ये एंगल गलत नहीं होगा, तो ये एंगल भी कितना, ये एंगल को हम क्या सपोज कर लेते हैं, फाइव सपोज कर लेते हैं, तो ये भी फाइव हो गया क्योंकि 180 माइनस फाइव होगा कितना, फाइव के बराबर ही होगा आपका। अब हम अपना डेरिवेशन को फाइंड आउट करते हैं। हमने पूरी की पूरी फिगर में देख लिया कि क्या कुछ था फिगर में, ठीक है। अब इसमें कीजिए बोयड सेवर्स लॉ अप्लाई। तो अप्लाई बोयड्स सर्वर्स लो। तो ये आपकी क्या थी, आपको इसको हम बायो भी बोल सकते हैं, बायोट्स भी बोल सकते हैं, दोनों आपके इसमें क्या है, ठीक है। तो वो क्या थी, डी बी कहा, वो क्या होगा आपका म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब आपका ये डी बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ। अब म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई, यहां पर फाई एंगल आएगा क्योंकि हमने एंगल कौन सा लिया, फाई। सो आई डी एल साइन फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये आपकी सिंपल लॉ थी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई तो करंट इसके अंदर है, एक तो डीएल फाइंड आउट करना है, एक साइन फाई फाइंड आउट करना है और एक आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, डीएल फाइंड आउट। देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, इन राइट ट्रायंगल ओ पी एल, ओ पी एल के अंदर देखिए डीएल के लिए हमें एल, अगर मैं एल फाइंड आउट कर दूं उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे, इस ट्रायंगल में आपका जो एल बाय ए है, एल बाय ए आपका क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी पी अपॉन बी, यानी पी अपॉन बी आपका कितना होता है, टेंजेंट थीटा। तो यहां पर पी है और बी ए है, तो आपका एल बाय ए क्या हो गया आपका, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आपका एल कितना हो गया, ए टेंजेंट थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एल बाय डी थीटा दैट इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा, और डीएल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, मतलब एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कौन सी, डीएल। अब ये डीएल की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, डीएल की वैल्यू कितनी आई आपकी, ए सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये तो आपकी डीएल की वैल्यू है जो हमने वहां लिख दी। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू किसकी, साइन फाई की। अब इस ट्रायंगल में दोबारा देखिए, इन राइट ट्रायंगल पी एल, पी एल ओ कर दीजिए या ओ पी एल कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपका थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है, तो यहां से हमें चाहिए क्या, एंगल थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 90। सो व्हाट वी नीड, साइन फाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा है आपका, तो थीटा कितना हो गया आपका, थीटा प्लस फाई कितना हो गया, 90 डिग्री, और आपका थीटा कितना हो गया आपका, 90 माइनस फाई। अब यहां पर आप दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, और साइन थीटा किसके बराबर हो गया, यह आपका थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90, तो आप यहां से फाइव निकाल दीजिए, फाइव इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सो साइन फाइव इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो साइन फाइव कितना हो गया आपका, कोस ऑफ थीटा। अब हमने साइन फाइव क्यों निकाला, साइन थीटा क्यों नहीं निकाला, साइन फाइव इसलिए निकाला क्योंकि हमें यहां किसकी जरूरत है, साइन फाइव की जरूरत है, किस टर्म में, थीटा की टर्म में। तो एक चीज और लिख लेते हैं यहां पर, साइन जो थीटा है, साइन फाइव है, वो किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा के। तो ये हमने दूसरी टर्म निकाल ली, क्लियर। अब हम निकालते हैं तीसरी टर्म। तीसरी टर्म में हम क्या करेंगे,
हमें फाइंड आउट क्या करना, आर। अब देखिए इस दोबारा से ट्रायंगल में देखिए, इन राइट ट्रायंगल पी एल ओ या ओ पी एल भी ले सकते हैं आप, तो इसमें आपका ए बाय आर ये आपका हो गया कोस थीटा के बराबर, ठीक है। कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन कोस टेंजेंट, यानी बी अपॉन एच। बी अपॉन एच किसके बराबर है, कोस थीटा के, तो बी अपॉन एच, ये बी है आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज एच है, बी अपॉन एच इक्वल टू कोस थीटा। अब हमें चाहिए आर है, तो उल्टा कर दीजिए, आर बाय ए इक्वल टू सीकेंट थीटा, वन बाय कोस थीटा कितना होता है सीकेंट थीटा, वन बाय कोस थीटा इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। अब आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए सीकेंट ऑफ थीटा, बट हमें चाहिए कितना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये वैल्यू भी यहां लिख दीजिए, मतलब ये एक और वैल्यू आ गई आपकी, क्योंकि आपको आर भी की भी जरूरत थी, तो ये कितना आ गया आपका, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए सभी आपकी थीटा के फॉर्म में आए, फाई को भी हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ dl sin phi r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ dl sin phi एंड r स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या वन क्या बन जाएगी, db should be equal to mu naught by 4 pi I dl। अब dl की वैल्यू कितनी थी आपकी, a secant square theta into d theta, और sin phi की वैल्यू क्या थी आपकी, cos of theta divide by r square की वैल्यू कितनी थी, a square secant square theta। अब इससे ये कैंसिल, इस ए से ये कैंसिल, तो आपका करीबन ये चीज बन जाएगी, db इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आई अपॉन ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, मतलब ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, db की वैल्यू। अब इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे, तो db कितना होगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको भी यहां पे लिख लेता हूं मैं, db का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, म्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई आई ए कोस थीटा इनटू डी थीटा। अब जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये db की वैल्यू पहले एज इट इज लिख लीजिए, db इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई I by A cos theta into d theta। अब हमें B निकालना है magnetic field, तो integration कर दीजिए, integrating on both sides with limit, तो ये आपका integration dB, और ये integration कितना होगा, mu naught by 4 pi I A cos theta into d theta। अब देखिए limit कितनी है, ये अल्फा और ये बीटा, मतलब अल्फा से बीटा की तरफ गया। अब इस बीटा को आप पॉजिटिव हिस्से में लोगे तो ये कितना नेगेटिव है, देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का ये आपका सेंटर बन गया, तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव लोगे, नीचे एंगल वाले एंगल को नेगेटिव, तो माइनस अल्फा टू प्लस बीटा, माइनस अल्फा से प्लस बीटा कर दिया। अब डीबी की वैल्यू कितनी बन गई, बी आफ्टर इंटीग्रेशन म्यू नोट बाय 4 पाई I by A, ये हम बाहर ले लेते हैं, माइनस अल्फा से बीटा cos थीटा इनटू d थीटा। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, दिस इज योर sin थीटा, सो b शुड बी इक्वल टू म्यू नोट I by A, दिस इज योर sin थीटा एंड लिमिट शिफ्ट टू माइनस अल्फा टू बीटा, क्लियर। तो देखिए आपकी b की वैल्यू क्या थी, आपकी b की वैल्यू थी म्यू नोट I अपॉन 4 पाई A sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा टू बीटा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट पहले अपर लिमिट पुट होती है माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए
मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए, ये हो गया साइन बीटा, थीटा की जगह बीटा, माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा, क्योंकि आपका अल्फा क्या है नेगेटिव माइनस। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसमें एक आपकी मैथ्स की आइडेंटिटी लगेगी, क्या साइन आपका माइनस थीटा आपका माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहां यहां से साइन आपका माइनस अल्फा, इसी तरीके से क्या होगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो बीटा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई ए साइन ऑफ बीटा माइनस, अब साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा। तो आप यहां पे ये रीजन भी लिख सकते हैं कि बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो ये साइन माइनस अल्फा था तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन अल्फा, वो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो यहां से बी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ये आपकी क्या आ गई बी की आपकी जनरल वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये वैल्यू आपकी, ये ध्यान रखिए आपका मैग्नीट्यूड आया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है आपका मैग्नीट्यूड, तो आप इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डीबी की हमने इस तरीके से लिखा था, तो ये आपका कितना है मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इसकी, तो डायरेक्शन आपकी आएगी राइट हैंड थंब रूल से, जो मैं रूल करवा चुका हूं दोबारा से करवा देता हूं, कि आप अपने राइट हैंड को, ये आपका राइट हैंड है तो उसको आप थंब इस तरीके से पॉइंट क्या करेगा डायरेक्शन करंट की, ये फोल्डिंग फिंगर किसकी पॉइंट करेंगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और डाउन हो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो तो इस तरीके से ये डायरेक्शन किसकी करंट की, और ये जो फोल्डिंग फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस तरीके से तो डायरेक्शन जो होगी ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉक वाइज आएगी, और अगर आप नीचे की तरफ लेंगे तो ये आपकी क्या आएगी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो रूल आप मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन का रूल है वो आप क्या करेंगे यहां अप्लाई करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, और उसके बाद हम डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, सो यू शुड राइट इन योर नोटबुक आल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। अब हम कुछ स्पेशल केस करेंगे, देखिए स्पेशल केस का मतलब क्या है, ये डायग्राम भी रब कर देता हूं मैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला दोबारा से आई एम रीराइटिंग, बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो आपका फर्स्ट केस है, ये आपका पहला केस, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में अगर आपका जो स्टेट कंडक्टर है, जो मेटल की वायर ले है, वो आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो, आई एम रिपीटिंग अगेन इन द फर्स्ट केस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइट देन अल्फा शुड बी 90 डिग्री एंड बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री इन द इनफाइनाइट केस। लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की वायर की लेंथ कितनी हो इनफाइनाइट हो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी मैग्नीट्यूड बी का, ये आ गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, अब साइन 91 होता है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका, ये मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, दिस इज साइन 91 प्लस 1, ये कितना आ गया 2, तो बी कितना आ गया आपका मैग्नीट्यूड म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो लास्ट वैल्यू बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, दिस इज द फाइनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ द स्टेट कंडक्टर इज इनफाइनाइट।
ये पहला केस है जिसमें आपकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। ओके, तो ये केस भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब सेकंड जो केस है उसमें आपका जो लेंथ होगी वो सेमी आपकी इनफाइनाइट होगी, यानी जो लेंथ है आपकी वो सेमी आपकी इनफाइनाइट होगी। उसमें हम क्या करेंगे, अल्फा को 90 डिग्री और बीटा को हम 0 डिग्री पुट करेंगे। ये केस आपको याद रखने हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी मैग्नीट्यूड, म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a साइन 90 प्लस साइन 0। अब साइन 0 तो 0 होता है, साइन 91 हो गया, तो b की वैल्यू अगेन आपकी कितनी आ गई, म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a। ये आपकी किसमें है, अगर सेमी आपकी इनफाइनाइट लेंथ हो, आपकी मतलब कंडक्टर की आपकी जो सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो, तो उसमें आपका क्या आ जाता है, आपका बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आ जाती है। ये आपका सेकंड केस था। ये केस कौन सा था, सेकंड। देखिए थर्ड केस में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट केस है आपका थर्ड केस। ये आप डेरिवेशन का रिजल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो थर्ड केस में हम क्या करने वाले हैं कि ये आपका एक स्टेट कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है, L है, और P पॉइंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, यानी यहां P पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट से जो डिस्टेंस जा रहा है ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, मतलब ये हाफ, ये अगर पूरी लेंथ L है तो ये L बाय 2 है, और ये नीचे वाली भी क्या है, L बाय 2 है, और ये हमने क्या सपोज किया था, A। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका कितना था एक्स वाई, ये पॉइंट कितना था एक्स, ये पॉइंट कितना था आपका वाई, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये पी पॉइंट है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल हमने क्या सपोज किया था बीटा, और ये एंगल हमने क्या सपोज किया था आपका अल्फा। ये पूरी लेंथ एल है तो ये क्या होगी एल बाय टू, ये भी कितनी होगी एल बाय टू, यानी अगर ये ओ, ये पूरी लेंथ कितनी थी आपकी एल, ये आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। अगर एक स्टेट कंडक्टर एक्स वाई उसकी लेंथ एल है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी पॉइंट पर मिल रहा, तो आपका उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें साइन अल्फा और साइन बीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन अल्फा और आपका साइन बीटा इसमें दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये L by 2 है, ये डिस्टेंस आपका A है, तो ये कितना आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस L by 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये A है, ये डिस्टेंस L by 2 है, तो ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस में L by 2 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए यहां से एक सिमेट्री बन रही है, तो जितना एंगल अल्फा है उतना ही बीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका। तो हम साइन अल्फा निकाल ले तो साइन बीटा भी वही होगा, तो साइन अल्फा निकालते हैं। साइन अल्फा आप ऊपर वाली ट्रायंगल में निकाल लीजिए एक्स ओ पी में। अब साइन अल्फा, साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, जो साइन आपका थीटा है वो आपको होगा पी अपॉन एच के। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, इस ट्रायंगल में हमें यह देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर क्या है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपका परपेंडिकुलर तो L by 2 है, और हाइपोटेन्यूज कितना आपका XP, ये पूरा का पूरा, तो ये कितना बन गया L by 2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L by 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, और साइन बीटा की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि साइन अल्फा बीटा दोनों क्या है इक्वल। अभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद B का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, म्यू नोट I डिवाइड बाय 4 पाई A साइन अल्फा L बाय 2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूं उसको, और ये भी कितना हो गया L बाय 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4। जब हम इसका L से हम लेके सोल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को, इस टर्म को पूरे को सोल्व करते हैं, तो वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, म्यू नोट I अपॉन आपका 4 पाई
a into 2l divided by 4a square plus l square का अंडर रूट। अब इससे ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो b का मैग्नीट्यूड आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, mu not I divided by 2 pi a l upon 4 a square plus l square. So this is the final result of magnetic field. और ये कब था? जब आपका ये डायग्राम था आपका, ये पूरी सिचुएशन मैंने समझा दिया, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी b की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। देखिए हमने सबसे पहले इस डेरिवेशन को डिराइव किया, ये तो आपका था डेरिवेशनल पार्ट। तो कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो ये तीन जो केसेस करवाए हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। एक बार क्या था, सीबीएसई में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो दो पार्ट थे उसके, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट में तो ये डेरिवेशन थी, और बी पार्ट में किसी सेट में आपका कोई केस आया था और किसी सेट में आपका कोई दूसरा केस आया था। तो इस तरीके से आपके ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपके लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन करवाया। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू एंड ऑल द केसेस दैट वी हैव डन दैट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो यू शुड डू ऑल द केसेस अलोंग विद द डेरिवेशन इन योर नोटबुक। ओके, so this is very very important for the exam point of view. In the next lecture we will do the next application based on the Boyd-Sawyer's law. Okay, thank you.